नमस्ते सारे लोगों को। तो अभी आज क्या करना है कि ये हम प्रयास क्यों कर रहे हैं ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कल जब भी हम उसको लेंगे सात लोगों को जो बुद्ध भगवान कहते हैं कि विमुक्ति जैसे पाते हैं, और अनुसारी कौन है, जैसे धम्मानुसारी है और सद्धानुसारी है, वो क्या होता है, और उसमें ही हमें सोतापन्न वगैरह समझ में आ जाता है। पर उससे पहले हमें विमुक्ति के बारे में सही तरह से जानना पड़ेगा। और ये भी एक है कि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारा हमने पहले कर चुके हैं, फिर उनको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैं 10-15 मिनट वो कर देता हूँ, फिर हम चेतो विमुक्ति, पन्या विमुक्ति, ये विमुक्ति क्या होता है, कैसे समझ में आता है वगैरह वगैरह, हम के बारे में चर्चा करेंगे या मैं बताऊंगा और चर्चा बाद में करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई नया आया है तो उसको क्या करना है, उसको पहले ये देखना है कि बुद्ध धम्म संघ ये तीनों आप कैसे जानते हो, कैसे मानते हो, क्या करते हो। अगर आपको डाउट है तो मुझे फ़ोन करो, वीडियोस तो है ही। अगर आपको उतना वीडियोस देखना नहीं होता है, आपका टाइम का पाबंदी है, तो मुझे फ़ोन करो, मैं बता देता हूँ, वो सही रहेगा, आसान रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फिर से दोहराने का अगर करेंगे तो जिनको पता है वो पूरा अभी चौपट हो जाएगा, दो दो क्लास लेना पड़ेगा, एक नए वाले के लिए एक पुराने वाले के लिए, तो मेरा लाइफ फालूडा हो जाएगा। तो मेरा भी कुछ लाइफ है, वो मैं जीना चाहता हूँ। तो आपको अगर तकलीफ लगती है तो आप मुझे फ़ोन करो या मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि बुद्ध धम्म संघ तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और सील अटूट होना चाहिए। सील अगर आप तोड़ रहे हो तो रोज़ आप एक किताब ले लो या डायरी ले लो, उसमें लिखते जाओ कि कौन सा सील आपने तोड़ा है। बस उतना ही करना है, अपने आप सही हो जाएगा। तो ये करना है। तो पुराने साधक जो है उनको मैंने यही कहा था, तो वो लोग वही करते थे। अभी मैं आप लोगों के नए हो तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सील तोड़ते हो तो लिख लो, अगर आपने सील नहीं तोड़ा है तो ठीक है, अगर तोड़ा है तो लिख लो, बस उतना ही करना है। और बुद्ध धम्म संघ को समझ लो, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे फ़ोन करो, हो जाएगा। ये इतने करने के बाद फिर हमें पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को देखने के एक तरह से हमें समझ में आता है। अगर आपको आकाश को देखना है तो नाक के जो छेद है, मुंह का छेद है, कान को छेद है, वो देखना है। आपको पृथ्वी देखना है तो ये पूरा स्केलेटन है ही, और ये पूरा देह ही पृथ्वी से बना है, आपों से बना है, तेजो से। अभी आप ऐसे टच करेंगे तो पृथ्वी निकल आती है, और क्या आती है, और पसीना पसीना आता है तो आपो है। ये पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को देखना जो होता है वो पन्या होता है, विजडम, ठीक है। अगर आपको वो नहीं हो रहा है, इसमें बाधा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि काम छंद है, व्यापाद है, तीन मिद है, उडच्च कुकुच है, विसिकिच्च है, ये पंच निवरण में से एक ना एक तो रहेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। अभी जितना आपको समझदारी है, समझ में आ सकता है, उतना आप करो। मतलब आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, पृथ्वी नहीं दिखाई दे रहा है, आपो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपो नहीं दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, ठीक है, आकाश नहीं दिख रहा है, वायु दिख रहा है, ठीक है, अगर वायु भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपके सील में खोट है, इतना आप समझ लो। तो आपको सील को जो तोड़ा है इसको देखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। आप अगर पंच सील लेते हो, आठ सील लेते हो, 10 सील लेते हो, कौन सा भी लेते हो आपके ऊपर है, जो कुछ भी आप लेते हो उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। जो नए साधक हैं उनको ये देखना पड़ेगा। अगर सील ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आ जाएगा, अपने आप आपको आ जाएगा।
तो पहला है सील, दूसरा समाधि, तीसरा पन्य। सील जितना रहता है उतना समाधि टिकेगी, जितना समाधि टिकेगी उतना पन्य आएगा। आपका सील ठीक नहीं है तो उतना समाधि नहीं होगी, जितना समाधि नहीं होगी उतना पन्य भी सही नहीं होगी। तो आप जितना भी पढ़ोगे, सीखने की कोशिश करोगे या कुछ लिख लोगे, ये करोगे वो करोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम सील तोड़ते जाते हैं तो समाधि नहीं होगी। सील समाधि पन्य जो है वो तीनों एक साथ होता है। जितना सील है उतना ही समाधि है, अच्छा सील है अच्छा समाधि है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आज सील नहीं तोड़ा है तो मुझे पूरा समाधि आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। उसको थोड़ा टाइम तो लग जाता है। अगर हमें सील आज से हमने प्रारंभ किया है, वो भी वची संखार जो है, वची का जो हम मूसा वाद पिसुना वाच फरुस वाच संप फलाप, उससे हानि बहुत होती है और हमारा मैक्सिमम टाइम उसी में जाती है। ऐसा नहीं कि हम किसी का खून करते हैं रोज, या किसी को मार देते हैं ऐसा, या चोरी करते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं है, या कोई किसी से हम लैंगिक संबंध रखते हैं रोज, हर किसी के साथ सो जाएंगे ऐसा तो नहीं है। तो हमारा ये तीन काय संखार तो नहीं होता है। तो होता है तो हमारा सिर्फ मूसा वाद पिसुना वाच फरुस वाच संप फलाप ही है। तो दस अकुशल में तो ये वाक्य का जो है वही, उसी में प्रॉब्लम है, उसी में खोट है। तो हमें वो सही करना है, ठीक है। अगर हमने आज से चालू किया तो आपको कम से कम 14 दिन से 28 दिन तक लगेगा, 2 उपोसत दिवस लग जाएगा आपको, मतलब 2 उपोसत। मैं अष्टमी की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन की बात कर रहा हूँ। 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने के बाद आपको समाधि स्थिति आना चालू हो जाएगा। आप जितना भी ट्राई करो नहीं होगा। आप इस भ्रम में हो कि मैंने आज सील नहीं तोड़ा है तो मेरा समाधि हो जाना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होता है। वो टाइम लेता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद बुद्ध भगवान भी बैठे होते आपके पास, वो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो हमने तोड़ा है, हमें ही जोड़ना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे भी हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए, खंति ये होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम उतावले हो जाएंगे, ऐसा कहेंगे क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कल हो रहा था आज नहीं हो रहा है, ये उससे कुछ भी बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी ज्यादा है, बनेगी कम है, ये हमें देखना है, ठीक है। जो नए साधक है इतना आप समझ लो कि पहले बुद्ध धम्म संघ को हमें एस्टैब्लिश करनी है, सील को एस्टैब्लिश करनी है, तभी हमारा समाधि स्थिति आ जाती है। जब इस समाधि में आएंगे तो आपको पटवी आपो तेजो वायो आकाश को देखना है, धातु, तो कल मैंने आपको बताया है धातु और आयतन, हमें ये 6 आयतन के ऊपर काम करनी है और ये 5 धातु जो है इसके ऊपर काम करनी है। फिर हम आएंगे पंचखंड के ऊपर, जब भी पंचखंड के ऊपर आएंगे तभी हमारा सील बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमें समाधि हो सकती है कि रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है। इसीलिए जब सोतापन बनते हैं उनका सील अटूट होता है, क्योंकि वो देख सकते हैं ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, ठीक है, इसीलिए बनती है। तो जब भी हम इसको देखने प्रारंभ करेंगे, यहीं से हमारा स्ट्रीम एंट्री सोतापन हो गया। तो अभी हम श्रोत में आ गए, इसके आगे सकदागामी अनागामी, तभी हमारा सिख सीखने के काम खत्म हो गया, फिर आगे जाना है अरहत फल पे, ठीक है। तो हमारा अगर सील अटूट है, समाधि स्थित है, समाधि स्थित है तो पंचखंड समझ में आती है, फिर पंचखंड समझ में आती है तो पटित समुत्पाद भी समझ में आती है। समझ में आती है मतलब क्या है कि उसको अनुभव होता है ये पटि समुत्पाद कैसे उत्पादन हो रहा है, उसका कैसे व्यय होता है, उदय व्यय ज्ञान भी समझ में आती है,
भंग ज्ञान समझ में आती है, मतलब उसको एक्सपीरियंस हो जाती है, चाहे आप गोयनका जी का फॉलो करो, उबाखिन का फॉलो करो, या कोई और बर्मीज टेक्निक फॉलो करो, या कोई टिबेटन वा सॉरी ये थाई वाला करो, या श्रीलंकन वाला करो, या कौन सा भी करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वतापन्न बनने के बाद सारा एक ही है। स्वतापन्न बनने से पहले ये हमें लगता है कि ये एक ट्रेडिशन है, ये एक ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन है वगैरह है। वैसा तो कोई ट्रेडिशन नहीं होता है। बुद्ध धम्म बुद्ध धम्म है, धम्म तो धम्म है, टीचिंग ठीक है, वो टीचिंग एक ही है। उसमें ये गोयनका जी का है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक हम स्वतापन्न नहीं बन जाते तब तक हमें ये उलझन में रहेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसा तो हमारा होगा। तो वो स्वाभाविक है, होता रहेगा, हमें इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये नए साधक के लिए भी है, और अगर किसी को जो पुराने साधक है जो जून से जुड़े हैं उनको भी डाउट है या अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें निवारण करना जरूरी है। कामचंद व्यापाद तीन मीद उड़च कुकुच और विसिकी इच्छा। अगर ये ग्रुप में किसी को भी प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ हो रहा है, आप शिविर तक वेट मत करो, जब भी चाहिए मुझे मैसेज करो, फोन करो, उसको निपटा लेंगे। क्योंकि हमें वहां जाके ये निपटाने का चीज नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वहां आके आप निपटाने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इतना समझ लो कि सारे लोग वहीं पे लेके आएंगे और मेरा 20-20 मिनट 30-30 मिनट का अभी आप मेरा वो करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। हमारे पास टाइम है, अभी जितना आपको चाहिए मैं उत्तर देने के लिए या जो समझाने के लिए मैं आपका पूरा प्रयास तो मैं करूँगा। मैं फिर से कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, कृपया फोन करो या व्हाट्सएप में डालो, ग्रुप में ही डालो, मैं उत्तर वहीं पे दूंगा या आपको कॉल करके बता दूंगा, ठीक है। या शाम को उसको ले सकते हैं, ये तीन में से कुछ हम कर सकते हैं। अभी हम आएंगे जो चीज आपको लास्ट पार्ट है, जो आपको मुझे बताना है कि विमुक्ति का मतलब क्या है और मुक्त कैसे होते हैं, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। आराम से सुनो, अगर समझ में नहीं आता है जैसे आप हाथ दिखाते हो ऐसे दिखाओ, उसका उत्तर मैं देता हूं। तो पहला ये करना होगा कि विमुक्ति का मतलब क्या है, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। तो विमुक्ति जो है इसमें पांच तरह से होती है। एक है चेतो विमुक्ति होती है, दूसरा होता है अकुप चेतो विमुक्ति होती है, फिर पन्या विमुक्ति होती है, फिर दोनों पन्या विमुक्ति और चेतो विमुक्ति होती है, उसके बाद में हमें होती है उबतो भाग विमुक्ति। ये पांच विमुक्ति है, ठीक है। तो अभी मैं उदाहरण देता हूं। चेतो विमुक्ति में एक आता है जो हमें साधारण विमुक्ति देता है। कैसे? अभी मैंने 10 दिन का शिविर लिया, शिविर के लिए गया, वहां पे जो वातावरण जो बनी है उसका परिसर जो कहते हैं एनवायरनमेंट, उसमें 10 अकुशल आप कर नहीं पाएंगे। मतलब आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी चीज का हत्या नहीं कर सकते, किसी जीवी का हत्या नहीं कर सकते, दूसरा आप चोरी नहीं कर सकते, तीसरा महिलाओं के लिए अलग पुरुष के लिए अलग, आप आंख से आंख मिला के देख नहीं सकते, किसी का देह को ऐसे घूरते हुए नहीं देख सकते जैसे अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो वहां पे देख नहीं सकते, आपका सर नीचा रहेगा, आपको पुरुष का जो क्वार्टर्स है वहीं पे वॉक करना है,
और महिलाओं का जो क्वार्टर्स है वहीं पे वॉक करना है, तो कहीं पर भी कॉन्टैक्ट ही नहीं है, पुरुष और स्त्री का कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो आंखों से जो कामेश मिच्छाचार होती है वो नहीं होती है। अष्ट मैथुन में पहला मैथुन है आंखें दृष्टि। हम अगर पुरुष है तो स्त्री को खा जाता है, कुछ इमेजिनेशन तो करता है, सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, बाल ऐसा है, गाल ऐसा है, वगैरह वगैरह करता है, वो मन में बैठता है, तो उसका काम उद्वेग होता है, तो राग जगती है। अगर वहां पे है ही नहीं तो कहाँ क्या जगेगा, कुछ नहीं जगेगा, तो कुछ नहीं जगेगा तो कुछ नहीं होगा उसको, तो कामेश मिच्छाचार हो गया। अभी आपको मौन में रहना है, आर्य मौन, तो मूसावाद नहीं कर सकते, पिसुनावाच नहीं कर सकते, फरुसावाच नहीं कर सकते, अम्पफलाप नहीं कर सकते शिविर में। फिर और तीन मन से है, अभिज्ञा व्यापाद और मिच्छादित्ति। आपको जितना दिया है उतना खाना है, बाकी आप पूछ नहीं सकते मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, अभिज्ञा चला गया। अभी व्यापाद किसी के ऊपर आप डाल नहीं सकते, क्योंकि आपको 10 घंटे बैठना है वहां पे, तो जो कुछ भी आ रहा है उसको देखना है, सिर्फ देखना है, फिर देखना है, सिर्फ देखना है, तो उसी में उलझे रहोगे तो व्यापाद नहीं आएगी। और मिच्छादिट्टि रहेगी भी समझो वो छोटा है, इतना 10 में से 9 चला गया, तो आपका चेतो विमुक्ति 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, टेम्प्रोवरी उतना तो हो जाएगा। क्या किसी किसी को बहुत शांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा शांत हमने कभी पाया नहीं है, किसी किसी को भंग अवस्था आ जाती है, किसी किसी को ये क्या कहते हैं इनको धारा प्रवाह आ जाती है, या वैसे कुछ होता रहता है। तो वो जो हमारा नॉर्मल लाइफ है उससे बेहतर है, एक तरह से चेतो विमुक्ति आ गया, चित्त में जिस चीज को पकड़ के बैठे थे उसका विमुक्ति आ गया। तो 10 दिन में हमारा परिवार का, संसार का, वगैरह वगैरह वगैरह, उससे मुक्ति पा लिए। ये पहला विमुक्ति है, इसको भगवान कहते हैं कि समया इकम पि विमुक्तम। समया इकम, कुछ समय के लिए लय रहेगा। समया इकम चित्त विमुक्तम, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए रहेगा। इसीलिए हम जब भी 10 दिन का शिविर करके आते हैं, पहले कुछ दिन बहुत अच्छा रहता है, या 20 दिन के शिविर लेके आ गए, या 30 दिन के शिविर लेके आ गए, 60 दिन तक लेके आ गए। यहाँ पे हमारा ग्रुप में जैसे बालकृष्ण है, उन्होंने 30 दिन का किया है, 60 दिन का किया है, तो वो बहुत दिन तक तो रहेगा, पर वो चेतो विमुक्ति नहीं है। फिर वापस जैसे पहले स्टेट पे था वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि परिसर का जो नियम है वो घर में नहीं है, नहीं बन पाए। अगर हम इस ब्रह्म में बैठे कि वहां पे जो हुआ अभी परमानेंट हो जाएगा, नहीं, चेतो विमुक्ति का परमानेंट नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं समयायिकम पी विमुक्तम। समझ में आया, ये पहला विमुक्ति है। और महावेदल सूत्र को अगर हम देते हैं उसमें 8 विमुक्ति की जिक्र किया जाता है, हमें 8 समझना पड़ेगा। तो मेरा अभी करवाना ये था कि ध्यान वगैरह इसलिए करवा रहा था कि चेतो विमुक्ति हो जाए। पहले विमुक्ति तो हमारा आप लोग सारे लोग वीआरआई के
जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, आपने एक शिविर दो शिविर जितना भी शिविर किया है वहां पे आपको चित्त का विमुक्ति का एक्सपीरियंस हुआ है। धारा प्रवाह जब चालू होता है चित्त का एक्सपीरियंस हो गया, चित्त में विमुक्ति का एक्सपीरियंस हो गया। भंग अवस्था आ गई है, पार्टिकल्स देख रहे हो, कलाप को देख रहे हो, बहुत ही सुंदर अति सुंदर साधु 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 जिसने भी देखा है बहुत अच्छे, वो भी चित्त विमुक्ति का ही अंग है। चित्त में धातु पकड़ा है उसने छोड़ दिया, ठीक है, उसने पकड़ा है, धातु ने चित्त को नहीं पकड़ा, चित्त ने धातु को पकड़ा है तो उसने छोड़ दिया। खुशी प्रीति सुख इसीलिए आती है कि हा चला गया, खुशी का महसूस होता है, ठीक है। पन्या क्या आई कि ये अनित्य है, अनित्य बोध आ गया, ठीक है ना, अनित्य बोध आ गया। उतना पन्या तो आ गया, जितना चित्त विमुक्त होता जाता है उसका उतना ही पन्या बढ़ता जाता है। तील समाधि पन्या, तो उतना प्रज्ञा जागती है स्वाभाविक। पर ये समझे वो परिसर युक्त है, वो परिसर को छोड़ दो, सीधा डुबकी मारेगी, क्योंकि वो परिसर नियमित है, कंडीशनड है, संकत पठित समुत्पन्न खय धम्म वय धम्म विराग धम्म निरोध धम्म, ये चार धम्म उसके ऊपर है। तो इसीलिए जो टेम्पररी समयायिकम पी जो था चला गया। किसी को कोई प्रश्न है? जो हमने विमुक्ति पाई है समयायिकम पी विमुक्तम, ये शून्यता सूत्र में, महाशून्यता सूत्र में भगवान कहते हैं कि एक को ऐसा आता है, थोड़ी देर तक रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका सील टूट गया, नहीं, इसका विमुक्ति का इतना ही है, ये विमुक्ति का इतना ही है, इसके ऊपर नहीं आएगा वो, ठीक है। और आगे हम जाएंगे बाकी विमुक्ति के ऊपर, इसमें क्या क्या है। अदुःखम सुखाय चेतो विमुक्ति, अदुःख असुखाय चेतो विमुक्ति, ये क्या होता है? जब भी हम चतुर्थ ध्यान में जाएंगे, जब ये लाइट आ जाए या स्केलेटन आ गया या आग से लिपट गया, पूरा बॉडी जल गया, राख हो गया, अभी पूर्ण तरह से मन शांत, सुख जो था वो चला गया, दुख जो था वो भी चला गया, सो मनस जो था वो भी चला गया, दो मनस था वो भी चला गया, सिर्फ एक लाइट आ गया। लाइट मतलब लाइट, सचमुच में लाइट। हम बैठे हैं ऐसे, पूर्ण तरह से लाइट ही लाइट है। ये चेतो विमुक्ति है। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है, मुझे यहां पे कुछ लाइट दिख रहा है, मुझे लगता है कि सर के पीछे कुछ लाइट है, सांस बंद होनी चाहिए पूर्ण तरह से, फिर लाइट आएगा,
सांस बंद नहीं होगा, थोड़ा बहुत आएगा चला जाएगा। अगर आपको ऐसा हुआ है कि आपका सांस रुक गया, आपको पता चला सांस रुक गया है, लाइट आया है, ये चेतो विमुक्ति है। अदुःखम सुखाय चेतो विमुक्ति। फिर आता है अपमानस चेतो विमुक्ति। यह अपमान चेतो विमुक्ति क्या है? ये जो हम ब्रह्म विहार करेंगे, मेट्टा करुणा मुदिता विमोक् उपेक्षा उपोसित गति दिन नगर करेंगे, मेट्टा करुणा मुदित उपेक्षा एस्पेशली पूर्णिमा के दिन अगर करेंगे तो आपको चारों में से एक विमुक्ति तो अवश्य मिल जाएगा, या मेट्टा का मिल जाएगा, या करुणा का मिल जाएगा, या उपेक्षा का मिल जाएगा, या मुदिता का मिल जाएगा। आपको 100% मिलेगा अगर आपके सील आठ सील अटूट है। नंबर वन। नंबर टू, आप पांच उपोसत करते हैं, समझ में आया? पांच उपोसत। पहला ब्रह्म उपोसत, धम्म उपोसत, संघ उपोसत, तील उपोसत, देवता उपोसत। अगर कोई इस ग्रुप में है जो देवता को नहीं मानता है, वो उपोसत नहीं कर रहा है। अगर कोई यहाँ पे है जो मानता है कि अगला जन्म नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं कि वो एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे देवता का जो होता है वैसा होता नहीं है, और जैसे उपोसत में कहा गया है, उपोसत सूत्र में जो कहा गया है कि एक दिन हमारा मतलब 100 दिन इसका वगैरह वगैरह, वो सब है। एक दिन देवता का हमारा कितना है वो सब लिस्ट में आता है। अगर हम उसको मानते नहीं है फिर भी उपोसत करने की कोशिश करते हैं, समझो हम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो आपको विमुक्ति तो नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई भी यहां पे है जो उपोसत करना चाहता है, वो पांच उपोसत करना पड़ेगा, ब्रह्म धम्म संघ सील देवता। आप पांच सील करते हो, आठ सील करते हो, से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये तो करना पड़ेगा। अगर हम पूर्णिमा के दिन जो उपोसत का दिवस होता है, अमावस्या के नहीं बात कर रहा हूं, पूर्णिमा के दिन अगर करते हैं, चार के चार मिल सकते हैं, एक और दो या तीन, ऐसा विमुक्ति मिल जाएगा। कितने दिन रहेगा? बहुत दिन रहेगा। वो विमुक्ति का स्थिति जो है वो आपको बहुत दिन रहेगा। ये नहीं कह सकते कि 10 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, ये पूरा अगले अमावस्या जब भी आता है वहां तक रहेगा, हो भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है पूरा 1 महीने रह जाए। जो फीलिंग जो आती है आपका चेतो विमुक्ति का, वो आपको इस पूर्णिमा से लेकर अगला पूर्णिमा तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ये होता है अपमान चेतो विमुक्ति। समझ में आया? हाँ जी, नरेंद्र जी आपने हाथ उठाया, बताइए। सर जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी।
हाँ सर, ये जो आपने देवता की बात बताई है, तो इसमें हाँ हम मानते हैं कि 31 लोक्स में देवता हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमें उनके लिए कुछ स्पेसिफिक पूजा करनी पड़े, बस मानते मानते हैं। और जैसे कि आज अष्टमी या आज भी उपोषित है, तो इनको अष्टशील ले लिए बंदे जी से और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो देवताओं के बारे में कुछ ऐसा ना कोई चर्चा हुई, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया सर? आपने ज़रूर मिस किया है, क्योंकि वो उनका पांच होता है, हमें वो पूरा पांच करना पड़ेगा। सद, सील, चाग ऐसा होता है, फिर पन्या होता है, हमें वो सारा करना पड़ेगा उस दिन। अगर आप अष्टमी का बात करते हो और कहते हो कि मैं अष्टमी का उपोषत कर रहा हूं, तो आपको जैसे देवता लोग करते हैं वैसे ही आपको आज के दिन करना पड़ेगा। हाँ, उनके जैसा करना पड़ेगा, लेकिन देवताओं के लिए कुछ स्पेसिफिक बोलना तो नहीं पड़ेगा ना? उनकी पूजा वगैरह तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें अपने में? देखिए, यहाँ पे पूजा वूजा रिचुअल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं, उनके जो लक्षण है उनको ले रहे हैं या गुण है उनको ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक फोटो लगा के उनका पूजा करें, हम वो नहीं करना है। लेकिन सर, आज के दिन हम भगवान बुद्ध की जो घर में जो उनका स्थान बना रखा है, उनके सामने खड़े होके नमो तस्सो करना, पंचशील अष्टशील बोलना आज के दिन, और त्रिशरण बोलना, और तो ये तो हम उनके सामने तो कर सकते हैं ना, बुद्ध बुद्ध की फोटो के सामने, भगवान की फोटो के सामने। आपने ठीक तरह से समझा नहीं है, हमें पांच उपोषत करने पड़ेंगे। बुद्ध उपोषत मतलब ब्रह्म उपोषत पहले करने पड़ेंगे, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ब्रह्म लोक का। धम्म उपोषत करना पड़ेगा, पूर्ण तरह से धम्म को समझना पड़ेगा। संघ उपोषत करना पड़ेगा, संघ क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। फिर सील उपोषत करना है, फिर देवता उपोषत करना है। जब भी हम देवता उपोषत करते हैं तो देवता के पास पांच गुण होते हैं, हमारे पास भी पांच गुण होना चाहिए, हमें वो डेवलप करना चाहिए। चाहे आप अष्टमी में करो या आप 15 दिन का जो पूर्णिमा और अमावस्या जो आता है वो करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना तो हम जब भी हम कहेंगे हम उपोषत कर रहे हैं तो हमें यही करना पड़ेगा। हम बुद्ध के भगवान के स्टैचू के सामने करके नमो बुद्धाय करके वो करेंगे नहीं करेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो विद्या चरण के ऊपर काम करनी है और किसी के ऊपर काम नहीं करनी है। और विद्या चरण की अगर बात आती है तो बुद्ध भगवान को आप कहाँ देख सकते हो? धम्म में देख सकते हो। और धम्म को कहाँ देख सकते हो? पटिसमुत्पाद में देख सकते हो। अगर आपको पटिसमुत्पाद समझ में नहीं आ रही है तो आप बुद्ध भगवान को समझे नहीं है। चाहे आप स्टैचू के सामने रहो या नहीं रहो, या आप उनके ऊपर फूल चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, वो उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। यो माम पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो पटिसमुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति। मतलब जो मुझे देखना चाहता है वो धम्म में देखेगा, जो पटिसमुत्पाद में देखेगा वो धम्म को देखेगा। बुद्ध ना स्टैचू है ना ऐसा जो यहाँ पे फोटो है, वो हमने ऐसे ही लगाया है, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। हमें तो सिर्फ गुण से मतलब है, वो स्टैचू से मतलब नहीं है या वो पेंटिंग से भी मतलब नहीं है। समझ में? यस सर, आ गया समझ। अगर ये समझ में आ गया तो अभी हमें ब्रह्म उपोषत करना पड़ेगा, धम्म उपोषत करना पड़ेगा, संघ उपोषत करना पड़ेगा, सील उपोषत करना पड़ेगा, और ये अपना देवता उपोषत करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? हमें अंगुत्तर निकाय
3.70 उपोसप्त सूत्र है, उसमें जैसा लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा आपको। चार उपोसप्त में, मतलब मैं अभी बता देता हूं, अष्टमी वहां पे काउंट नहीं होती है, अष्टमी तो एडेड है, वैसा कुछ होता नहीं है। आप लोग कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमावस्या को छोड़ के हर पूर्णिमा अगर लेते हैं तो चार पूर्णिमा में आपको फल मिलेगा, समझ में आया? मतलब चार महीने लगेंगे, आज से शुरू करोगे, चार महीने के बाद आपको फल प्राप्त होगा। अमावस्या को छोड़ के मतलब हर महीना, आज पूर्णिमा है, आज किया, अगला पूर्णिमा, अगला पूर्णिमा, अगला पूर्णिमा। अमावस्या के दिन क्या करना है, पूरा जो गंदगी आ रही है उसको निकालना है। तो चार महीने हम गंदगी को निकालेंगे, चार महीने हमारा मन जैसा चंद्रमा है जो शाइन होता है, अपना मन को भी वैसा ही शाइनिंग करना है। तो चार महीने डरावनी आएगी, चार महीने अच्छाई आएगा। डरावनी को आंख खोल के देखना नहीं है, उसको उसको हमें सहना पड़ेगा। जब भी आप कर रहे हो, डर लग रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कोई आके मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा लग रहा है, तो देखना है, आंख खोलना नहीं है। वो संखार जो आता है बहुत भयानक आती है, अगर है तो उसको सहना पड़ेगा, ठीक है। और बदन में दर्द भी होगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, अजीब अजीब तरह के हमारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको सहना पड़ेगा। बॉडी का पेन भी आ सकती है, जोड़ों में दर्द भी आ सकती है, तीन दिन रहेगी ये समझ लो। जो संखार आते हैं ध्यान करने से, दो या तीन दिन रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी, पर तीन दिन का तो आपको करना ही पड़ेगा, ये समझ लो। इसके बाद भी है तो अलग है, वो संखार से कोई जुड़ा नहीं है। तो हम ये अमावस्या का मैं बात कर रहा हूं, पूर्णिमा के दिन की बात नहीं कर रहा। हाँ जी बताइए नरेंद्र जी। सर मैं पिछले एक साल से कर रहा हूँ अमावस्या भी और पूर्णिमा भी। और सर्दी, पिछली सर्दियों की बात है कि जिस दिन मैंने उपोषित रखा था, अब मेरे ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये तो अब आपने मेरे को बताया है कि ऐसा होता है, मैं तो कर रहा था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सर मेरा जी घबरा रहा था, सर्दियों की बात है, उस समय हमारे यहाँ पे धुंध पड़ती थी, तो इतना भयंकर मेरे ये था कि अब मेरा बस मेरा निकलने वाला। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया और वहां पे मैंने अपना बीपी चेक कराया, तो बीपी बहुत काफी बढ़ा हुआ था। उपोषित वाले दिन की बात है, ये फिर नहीं पता कि वो पूर्णिमा थी या अमावस्या, इतना मेरे याद नहीं, क्योंकि मैंने पहले, अब आप बता रहे हो तब मैंने नोटिस किया, उसके बाद फिर दोबारा मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ ठीक है, तो आके चला गया, पर आपको अगर भयानक आती है तो तीन दिन रहेगी, बदन दर्द ऐसी आएगी समझो कि आप मर जाओगे ऐसा लगेगा, पर वो तीन दिन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। सर मैं तो सच में ही मर ही गया था, मैं तो ये सोच रहा था आज तो तू गया काम से। हाँ, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं हट्टा खट्टा हूँ, तो अचानक पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था। फिर उन्होंने मेरे को एक घंटे बाद ही, वो जानकार थे, मैंने एक घंटे बाद मेरे को भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है आप जाओ। वो तो दोबारा तो नहीं आया मेरे साथ, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि उपोषित वाले दिन आया था, और मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, अब मेरे समझ में आ रहा है, पिछले सर्दियों की बात है सर। तो होता है, किसी को भी डरने की बात नहीं है, पर इग्नोर मत करो। अगर आपको उपोषित के दिन आ रहा है, पहले देखो वो अमावस्या है कि नहीं है। अगर अमावस्या में है, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे पता नहीं है, वो उस जैसे उस दिन हम लोगों ने किया था सवेरे, वैसे आप करेंगे, आप समझ लो 100% आएगा। सर सुबह कितने बजे? 5-6 बजे तक, 2-6 बजे तक वो करेंगे तभी आएगा, या फिर
वो करेंगे तो ही आएगा, तभी करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन वो फिर भी रात के समय में आया था। और आ गया होगा पर आफ्टर 12, मतलब 2 बजे ये सब इसका नाटक जो है वो चलता है 2 बजे के बाद। अब की बार देखूंगा सर, 12 बजे के बाद सोऊंगा ही नहीं 6 बजे तक। नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप 2 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ। और ये भी समझ लो, अगर आप ठान करके बैठोगे अभी मैं देख ही लूता हूं क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये क्या भूत ऐसे आते नहीं है, जो अंदर का भूत है ना उसको भी पता है वो आते नहीं है, जब भी आप तैयार नहीं होते तभी आते हैं। तो उसके लिए भी सहमत रहना पड़ेगा, हमारा मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आने वाला, वो भी नहीं आएगा ये भी नहीं होगा, बस उतना समझ लो। ठीक है, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। तो वे सब बाहर जाके हम बन जाएंगे, मतलब अगर अर्हत बनना है तो ये सब वॉमिट करने के बाद ही अर्हत बनेंगे, क्योंकि आसव खय ज्ञान का मतलब आसव पूरा निकल गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मैं अर्हत नहीं हूं, मैं भी आप ही के तरह साधक हूं, साधना में आगे हूं पर साधक तो हूं। ठीक है, ये समझ लीजिए। अच्छा, ये यहां तक तो आपके लिए ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हमारा चेतो विमुक्ति होता है, ये अपमानस चेतो विमुक्ति हो गया। फिर क्या करना है मुझे, ये विमुक्ति के बाद आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि इसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ तक हम आए, ये चेतो विमुक्ति करने के बाद हम कहाँ तक है, ये ही हमारे लिए बहुत टाइम लगा देगा। ठीक है, फिर आता है अकिंचन्य चेतो विमुक्ति। ये जब भी हम 7वां ध्यान करते हैं उसमें आता है, तो अभी तक हमने अरूप ध्यान तक गए नहीं है, तो ये तो नहीं आने वाला, ये भी एक चेतो विमुक्ति है। ठीक है, ये भी एक चेतो विमुक्ति है, क्या अकिंचायतन, ये भी चेतो विमुक्ति है, यहां से भी हम चेतो विमुक्ति पा सकते हैं, हमारा चित्त विमुक्त हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहले हमने टेम्पररी, फिर हमने क्या देखा 4th झाना, फिर हमने ये ब्रह्म विहार का देखा, उपोसत्त के दिवस तो बहुत ही अच्छा होता है, अभी तक हमने अरूप झाना में नहीं गए हैं, रूप झाना तक भी कंप्लीट नहीं किया है, मतलब 4th झाना तक भी हम कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर हम बात करें आज की, बाकी सब बोलने से कोई फायदा नहीं है चेतो विमुक्ति के बारे में, अभी हम 2 चेतो विमुक्ति के जिक्र कर सकते हैं। एक जो हम ब्रह्म विहार की जो करते हैं, मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक चेतो विमुक्ति हो गया। और दूसरा, जब भी हम एतन संतन नेतन पणितन सुन लिए या जिन पंजरा सुन लिए या कुछ सुन लिए, वो टाइम पे जो चेतो विमुक्ति होता है, विमुक्ति तो सारे लोगों को हुआ है, मतलब सारे मतलब जितने भी मुझे फोन करके बोला है कि मेरा इतना ऐसा लग गया था वैसा लग गया था, वही विमुक्ति होता है, पर वो टेम्पररी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो जितने भी साधक है, मैक्सिमम जितने भी कॉल किए हैं, उनको विमुक्ति का एक्सपीरियंस हुआ है कि ये विमुक्ति है,
किस चीज की विमुक्ति? राग द्वेष मोह से विमुक्ति। तभी आपका ना परिवार है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आपको विमुक्ति का एक्सपीरियंस हो रहा है। समझ में आया? कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में? जितना हमने अभी बात किया है उसका कुछ क्वेश्चन है? सब लोगों को समझ में आ गया विमुक्ति के बारे में? ये विमुक्ति में चेतो विमुक्ति का ही बात कर रहे हैं, पन्या विमुक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसका समझते हैं, क्योंकि कल मैं जो 7 लोगों के बारे में बात करूंगा वो सूत्र है कितगिरी सूत्र, उसमें भगवान 7 लोगों के जिक्र करते हैं, उसके लिए आपको आसान हो जाएगा। किसी को भी कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, ये कुछ भी नहीं है तो अगला है अनिमित चेतो विमुक्ति। तो ये क्या होता है, मेरा स्टोरी बताता। लास्ट ईयर हमारे ये जो हिंदी ग्रुप है, एक और हिंदी ग्रुप था जहां पे बहुत सारे साधक लोग जो है वो VRI के हैं, उसमें एक जुड़े थे जो असिस्टेंट टीचर है VRI में, और वो इगतपुरी जाते रहते हैं और कहीं और भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारा 60 दिन का किया है और वो सिखाते भी हैं। तो बहुत सारे लोगों जो मिले थे तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप एक बार गोयनका जी का टेक्निक एक बार कर लो, क्योंकि अगर कोई गोयनका जी के शिविर से आते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, अगर आप ही ने नहीं किया है तो आप कैसे समझ आ सकते हो कि इसमें क्या है उसमें क्या है, आप कैसे इन्हें बता सकते हो। तो मुझे भी ठीक लगा, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मुझे तो वो करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट दिसंबर में मैं गया। अभी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं VRI के बारे में बात करूंगा वो निमित्त हो गया, तो मुझे दो चीज आएगी, एक गोयनका जी का टेक्निक मुझे अच्छा लगेगा तो राग जगेगा, या उनका टेक्निक अच्छा ही नहीं लगा तो द्वेष जगेगा, और गोयनका जी का टेक्निक करके मेरे मन में घुस गया तो मोह आ गया। तो राग द्वेष मोह तीनों आ गए। जिस चीज को मैं छोड़ने के लिए गया, जिस भूत को छोड़ने के लिए गया, उसी को लेके आ गया वापस, तो क्या करना है? तो मैंने ये सोचा, मेरा एक स्टूडेंट भी आया था तभी, वो बैंगलोर में रहता है और मेरे घर के करीबन 2-3 किलोमीटर के दूर रहता है, तो उसने भी कहा मैं भी आ जाता हूँ सर आपके साथ, आपसे आपके साथ करूंगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, तो हम दोनों निकले। अभी मेरे लिए दो खतरा है, एक मेरा स्टूडेंट है वो भी निमित्त है, और ये सारे लोग जो विपश्यना के जो लोग हैं, VRI के जो लोग हैं, तो वो भी निमित्त है। तो जैसे ही मैंने कार को अंदर लिया, पार्क किया, VRI बोर्ड को हटा दिया मन से, मेरा घर हो या VRI हो दोनों एक बराबर, इतना तो मैंने कर दिया। रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर असिस्टेंट टीचर ने बात किया, मुझे कुछ भी नहीं लगा यहाँ, क्योंकि वहां पे असिस्टेंट टीचर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से था। पर मैंने एक गलत कर दी, मैंने बहुत सारा गोयनका जी का वीडियो देखा है जिसमें वो उनका आवाज अलग की तरह 1 घंटे के बाद जो आती है, अनिच्छावत संखार, वो मुझे वो अनिमित नहीं कर पाया। जो चेतो विमुक्ति हुआ था वो विमुक्ति से बाहर आ गया, क्योंकि वो निमित आ गया। गोयनका जी ने मुझे पकड़ लिए,
जैसे भूत प्रेत होते हैं वैसे उन्होंने पकड़ ली, और उनका दोहे भी आ रहा है, और उन्होंने तभी मेरा रूम के बाजू में ही उन स्पीकर डाला था। बाप रे बाप, मैं सोचा अभी मेरा गया, विलास भाई तेरा 10 दिन का शिविर समझो पानी में डूब गया। तो मैं नहाते नहाते सोचा इसको अभी अनिमित्त करना पड़ेगा, गोयनका जी का आवास ये सताएगा, बहुत सताएगा। तो थोड़ी देर बैठा, नहाने के बाद बहुत टाइम था, 8 बजे क्लास था, वो शुरुआत करनी थी 8 से 9, तो 7:30 बजे जल्दी खाना खा के ब्रेकफास्ट करके आके थोड़ा बैठा। इसको मुझे अनिमित्त करना है भाई, गोयनका जी को हटाना है मन से, गोयनका जी नहीं रहना चाहिए मन में, उनकी आवाज नहीं रहनी चाहिए। आवाज आवाज होता है, वाणी वाणी होती है, ना उसमें गोयनका रहती है या कुछ रहती है। तो मैंने पूर्ण तरह से अनिमित्त कर दिया। वो जो 6 से 4:30 तक जो किया था, 6 से 6:30 का उनका जो आवाज आया था, फिर 6:30 से 7:30 तक जितना भी मैंने सुना, वही लास्ट डे था मैंने गोयनका जी को सुना। उसके बाद में गोयनका जी मेरे मन से निकल गए। तो रात में जब भी मैं बैठा वीडियो देखते हुए, ऐसे ही देख रहा हूं उनका आ रही है प्रवचन, कुछ भी नहीं हुआ। वो हिंदी प्रवचन में बैठा 1.5 hours day 1, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जाके सोया, देखा छान मारा कि कोई कहीं पर भी थोड़ा भी गोयनका जी है क्या, नहीं था। VRI है, नहीं है, ना राग ना द्वेष ना मोह, विमुक्ति, ये होता है ये अनिमित्त। निमित्त को हटा दिए पूर्ण तरह से। हाँ, गोयनका जी के क्लास में तो बैठा हूं। अगर कोई मुझे पूछेगा विलास जी आपके सोए थे क्या, नहीं, आप VRI गए थे नहीं गए थे, हाँ गया था भाई। तो आपने सुना वो गोयनका जी जो कहते हैं कि अभी धारा प्रवाह आ रहा है, ये ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर देखो, हाँ आपने वो जैसे कहा वैसे किया आपने, हाँ किया। फिर भी आप कहते हो गोयनका जी नहीं है, हाँ नहीं है। इसको कहते हैं अनिमित्त चेतो विमुक्ति। ये जो पहला मैंने विमुक्ति कहा उससे भी बहुत ही असरदार है, और ये अपमान्य चेतो विमुक्ति से भी असरदार है अनिमित्त, क्योंकि अनिमित्त अपणित शून्यता इक्वल्स निबान। फिर आएगा शून्यता वाला चेतो विमुक्ति। तो ये तो मैंने कर दिया। अभी देखिए यवतमल, अभी मैं पहुंचा ध्यान मेडिटेशन सेंटर, मन में संन्या आ गई, ये ध्यान मेडिटेशन सेंटर है, राग द्वेष मोह तीनों मुझे आ जाएंगे काटने के लिए, वहां पे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या मोह में पड़ जाऊंगा कि अरे अशोक भंते जी कैसे हैं, वैसे हैं, ये है। वहां ना कोई अशोक भंते हैं, ना कोई ध्यान भूमि है, ना कोई यहाँ पे जो साधक है वहां पे आ रहे हैं। आप लोगों को मुझे 60 लोग हैं, 60 लोगों को मुझे अनिमित करना है पूर्ण तरह से, 60 और 60
जितने भी लोग आए हैं या जितने लोगों को मैं वहां देखूंगा, पूर्ण तरह से अनियमित करना है। और ध्यान मेडिटेशन सेंटर को भी अनियमित करना है, फिर वो जगह को भी अनियमित करना है। वो महाराष्ट्र में है, यवतमल है, चरपदा है, वगैरह वगैरह है, पूरा हटाना है, शून्यता बनानी है वहां, तभी मस्त। तो जब भी मैं नागपुर एयरपोर्ट पहुंचूंगा, एयरपोर्ट से ही मेरा अनियमित बनना चाहिए। जो कोई भी मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है, बात करने के लिए, तो मैं बात करूंगा, ये आ चाहिए है, वो है, ऐसा है, पर मन में एक भी चिंतन मनन नहीं है। ऐसा ही मुझे 7 दिन रहनी है। आप लोगों के समक्ष में भी रहूंगा पर जुड़ के नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा अनियमित हो जाएगा। ये मैं करके दिखाऊंगा, जो कुछ भी करना है करूंगा, आपको जो सिखाना है सिखाऊंगा, बात करना है बात करूंगा, हंसूंगा, कुछ भी करूंगा, पर निमित्त के बिना करूंगा। तो ये होता है अनियमित चेतो विमुक्ति। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर जी, अनियमित चेत तो करें कैसे? आप तो कर लोगे, हम कैसे करें? उसी का तो वहीं पे करेंगे। आपका अब जो कोई भी आ रहा है, उनको श्रमता है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा? अब सर हम तो नहीं आ रहे ना, हम क्या करें? क्योंकि आपको बिना देखे मैं सिखा नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैक करके आना है। देखते हैं बाद में ये एक्सपीरियंस कैसे होता है इन लोगों के साथ, फिर मैं देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, मुझे भी सोचना है। हाँ सर, अभी तो हम आप ही की आवाज फॉलो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, हम आंखें बंद करके भी वो आवाज सुनकर ही ध्यान कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और लगता है कि हाँ आप बोल रहे हैं। हाँ, वो अनियमित नहीं हो पा रहा है। देखिए, वो तो पहले आपको चाहिए, फिर उसको अनियमित करना है, ठीक है ना? देखिए, पहले खाना खाना है, खाना खाने के बाद ही आप अनियमित कर सकते हो। तो ये थोड़ा टेढ़ा है, पर सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो वाणी का मजा लेना है वो ले लो, फिर उसको काटना भी सिखा दूंगा। ओके, ठीक। और किसी ने हाथ उठाया था, सुनीता जी, आपने शायद हाथ उठाया था। हाँ जी विशाल जी, बताइए। सर, अनियमित करना इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये भी एक चेतो विमुक्ति है। बस मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा। ये सोतापन के लिए अनियमित आवश्यक? नहीं नहीं है। और होता है लास्ट वाला, वो है शून्यता, भूमि, शून्यता। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर भी बता देता हूं कि जब भी अनियमित करेंगे सही तरह से, पूर्ण तरह से शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मतलब अभी समझिए कि यहाँ पे जो लोग पहले से जुड़े हैं वो है रविंद्र जी। मैंने रविंद्र जी को फिजिकली ऐसे वीडियो में ही देखा है, मैंने उसे मिला नहीं है। और उन्होंने, उनका ही बहन है रोहिणी जी, उनको इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने
ज्योति ताई करके यहाँ बैठी है, उनको इंट्रोड्यूस किया, फिर सुप्रिया जी करके है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा एक ऐसा एक छोटा ग्रुप बना था, फिर वो बढ़ता बढ़ता गया। अभी समझो ये चार लोग मुझे मिलेंगे, शून्य है नहीं है। अगर मैं इनके चेहरे देखता हूं, अगर मैंने धातु बना दिया उसी वक्त, तो शून्य हो जाएगा क्योंकि वो पार्टिकल बन जाएगा। तो कलाप मुझे वहां करना है, आंख बंद किए बिना आंख खोल के करना है। जब इन मैं रोहिणी जी की बात करूंगा तो दो तरह से देखना पड़ेगा, एक रोहिणी करके कोई है, पर रोहिणी करके कोई भी नहीं है। सुप्रिया जी करके कोई है, पर सुप्रिया करके कोई भी नहीं है। मतलब मैं ही सुप्रिया हूं, मैं ही रोहिणी हूं, मैं ही रविंद्र हूं। फिर पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश गिर जाएंगे तो क्या रह जाएगा? विज्ञान। इसमें मेरा विज्ञान, इसका विज्ञान, उसका विज्ञान, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ विज्ञान। तो छह धातु पे आ गए। जब छह धातु आ गए तो छह के छह आयतन बंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी शून्य हो गया। अभी हम जितना देख सकते हैं देख सकते हैं। तो मैंने अनिमित्त भी बना दिया, शून्य भी बना दिया। अनिमित्त, अनिमित्त, अपनिहित। अपनिहित का मतलब यह है कि कोई उसमें अपेक्षा नहीं है। मुझे रोहिणी जी से, रविंद्र जी से, सुप्रिया जी से या किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं कि ये ऐसा करे ये ऐसा नहीं करे। और वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं, साठों लोगों में कोई भी हो, मुझे उसको कुछ लेना देना है ही नहीं है, कुछ भी लेना। अगर समझिए कि प्रकाश जी आ रहे हैं या भंते जी आ रहे हैं, सादर प्रणाम, गौरव जितना देना है देना है। पर वहां पे ना भंते है, ना प्रकाश है, ना वो बिल्डिंग है, ना कुछ भी है, शून्य है। ये शून्यता आ गया तो निब्बान हो जाएगा। अनिमित्त अपणित शून्यता, तो निब्बान। तो क्या होगा? हम ऐसे खड़े हैं, देखेंगे, देखते रहेंगे, बस उतना ही करेंगे। बात करेंगे तो बात करेंगे, जैसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे, क्योंकि मैं ही वहां पे प्रतिबिंब में हूं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। समझिए कुत्ता है, आपके कोई किसी ने कुत्ता पाला है तो आप ट्राई कर सकते हो। कुत्ता किसी ने आपने यहाँ पे अपने घर में पाले हो तो आप एक उसके सामने मिरर रखो, आईना। वो पहले पूंछ हिलाता है, फिर उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले पूंछ हिलाया, उसने सोचा कि ये कोई कुत्ता है, वो उसको पूंछ हिलाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसने हिलाया तो वहां हिलाया, फिर इसने ऐसा किया, वो भी ऐसा कर रहा है। अगर आपके किसी के पास कुत्ता नहीं है तो YouTube में जाओ और एनिमल्स विथ मिरर करके डालो, बहुत सारा आ जाएंगे। तो देखो वो कैसे बर्ताव करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, या चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे हमारा वीडियो में रोहिणी जी है, विभाताई है, सुजाता जी है, तो जैसे मैंने सुजाता जी को देखा, एक चित्र बन गया। जैसे कुत्ते ने एक और कुत्ते को देखा और पूंछ हिलाया, रिएक्शन नहीं हो रहा है तो गुस्सा आ गया,
राग द्वेष मोह। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझ में ही सुजाता को देखना है, मुझ में ही रोहिणी जी को देखना है, मुझ में ही विभाताई को देखना है। उस वक्त जब ही ये दृश्य आता है, जैसे अभी जैसे आया है वैसे ही आएगा, तो शून्य बन जाएगा, कोई है ही नहीं वहां पे, किससे मिले कोई भी नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, असंकत धातु, कंडीशनड, इसंकत, अनकंडीशनड, असंकत, असंकत धातु जब भी बनता है वो निबाण है। तो अनिमित्त अपनिहित शून्यत इक्वल्स निबाण, तो निबाण का एक्सपीरियंस हो गया किसे, मुझे। तो नागपुर एयरपोर्ट पहुंचा, बंद कर दिया नागपुर को, बंद। हाँ, तो जिनका इंतजार था वो गेस्ट आ गए, वो 7 बजे आने वाले थे तो अभी आ गए, ठीक है। तो अभी बुलावा आ गया, 5 मिनट में ये बंद करेंगे। तो हमें ये इतना चेतो विमुक्ति है, इतने तरह का चेतो विमुक्ति है, हमारे प्रैक्टिस के लिए 2 ही रख सकते हैं, बाकी सब छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा बाद में। अभी फिलहाल के लिए जो आप विपश्यना करके आते हो वो एक ले लो, और ये जो 4 ब्रह्म विहार है उसको ले लो, आपको चेतो विमुक्ति का एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोनों में आप फर्क देख सकते हो, जैसे हम शिविर में जाते हैं कितने दिन तक रहेगा, कितने देर तक रहेगा, वो भी देख पाएंगे और ये भी देख पाएंगे। ये हम वहां पर भी करेंगे, यहां पर भी करेंगे, मतलब अगले हफ्ते से इसके बारे में करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए, कल इसका थोड़ा और बता देता हूं, और कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे, पर गुरुवार शाम को काम चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे फिर।